अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लाउडी मलाकन चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सऊदी रियाल एक्सचेंज रेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बारे में कि आज के हवाले से सऊदी बैंक एक रियाल का क्या रेट दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा रेट आज कौन सा बैंक दे रहा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल तो को। आज 14 अप्रैल 2023 और जुमतुल मुबारक का दिन है। जुम्मे को सऊदी अरब में छुट्टी होती है और सारे बैंक बंद होते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेंड करना चाहते हैं तो अमाउंट सेंड कर सकते हैं। तो अब आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज हम शुरुआत अल राजी बैंक से करेंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 80 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 56 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.21 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 51 पैसे। अगर बात हो जाए इंजाज बैंक का, तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 95 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 55 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.30 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 65 पैसे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न यूनियन के बारे में। तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 34 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 53 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.23 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 73 पैसे। अगर हम बात करें एनसीबी क्विक पे के बारे में, तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 73 रुपये 5 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 38 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.10 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 49 पैसे। इसके अलावा बारी आती है एसटीसी पे का। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74 रुपये 97 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 45 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.10 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूर पे ऐप के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो यूर पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74 रुपये 99 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 53 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.10 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 74 पैसे। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74 रुपये 92 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 57 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.16 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 77। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 99 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 56 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.20 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 62। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 71 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 49 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.03 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 60। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 91 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 52 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.11 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मनीग्राम के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 76 रुपये 11 पैसे का, इंडिया के लिए 21 रुपये 53 पैसे, बांग्लादेश के लिए 28.10 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 34 रुपये 69। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 75 रुपये 10 पैसे का।